नमस्कार, मेरा नाम है भावना और आप देख रहे हैं पॉजिटिव समाचार। चाहे हो ध्यान प्रचारकों द्वारा किए जा रहे प्रयास या देश भर में आयोजित हो रही शाकाहार रैलियां, हम आप तक पहुंचाते हैं देश और दुनिया से जुड़ी हर सकारात्मक खबर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जम्मू के अनाथालय में आयोजित हुआ ध्यान सत्र, बच्चों ने जाना पिरामिड का महत्व। नागपुर में पीएसएसएम मास्टर्स ने आयोजित की शाकाहार रैली, शामिल हुए 300 लोग। महाराष्ट्र में घर घर ध्यान टीम जगह जगह आयोजित कर रही ध्यान सत्र। लुधियाना में मनाया गया स्वामी विवेकानंद मेडिटेशन पिरामिड का मासिक सम्मेलन। गुजरात के नवसारी स्थित वृद्धाश्रम में हुआ ध्यान। महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर के संस्थापक भिक्कु संगसेना जी ने अंबेडकर यूनिवर्सिटी में दिया संबोधन, दोनों संस्थाओं ने समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर। भुवनेश्वर में संपन्न हुआ 41 दिन का ध्यान कार्यक्रम, साथ ही उड़िया में अनुवादित एक पुस्तक का भी हुआ विमोचन। महाराष्ट्र में वृद्धाश्रम में करवाया गया ध्यान, बुजुर्गों तक पहुंच रहे इसके फायदे। हल्द्वानी में हुआ नए पिरामिड ध्यान केंद्र का उद्घाटन, कई मास्टर्स रहे उपस्थित। नेपाल में बन रहे नए पिरामिड ध्यान केंद्र, आयोजित हो रहे कई ध्यान सत्र। अब रुक करते हैं विस्तार से खबर की ओर। जम्मू में SOS चिल्ड्रंस विलेज नामक गैर सरकारी संगठन की सहायता से बैंगलोर की वर्षा धीरेन जी ने एक अनाथालय में 70 बच्चों को पिरामिड कैप पहनाकर ध्यान करवाया। साथ ही उन्होंने बच्चों को पिरामिड ऊर्जा के बारे में भी बताया, जिसके बाद SOS संगठन के राहुल जी ने अपने संगठन में पिरामिड बनवाने की इच्छा जाहिर की। बहुत जल्द वर्षा जी 21 दिनों का एक ऑनलाइन सत्र भी आयोजित करवाएंगी। घर घर ध्यान टीम रामबाबू जी के नेतृत्व में मुंबई में नियमित रूप से जगह जगह ध्यान सत्र आयोजित करके लोगों को ध्यान के प्रति जागरूक कर रही हैं। इसी कड़ी में रामबाबू जी ने नवी मुंबई स्थित कर्मवीर भौराव पाटिल कॉलेज घाटकोपर के जीवन आशा पिरामिड ध्यान केंद्र, भिवंडी के श्रीराम कॉलेज के NSS कैंप और मलाड़ स्थित RF सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय में ध्यान सत्र आयोजित किए। इसके अलावा उन्होंने चेंबूर, ठाणे और बोरीवली में भी लोगों को ध्यान करवाया। घर घर ध्यान टीम के ही मास्टर्स वैशाली जी, मानसी जी, स्वरूपा जी, मीनल जी, शांता जी, ईश्वरी जी, मानिनी जी, नित्या जी, सुनील जी और किरण जी ने कल्याण, वाशी, डोंबिवली और ठाणे में लोगों को जगह जगह सामूहिक ध्यान करवाया। आपको बता दें कि घर घर ध्यान टीम पिछले 1800 से भी अधिक दिनों से रोज लोगों को ध्यान सिखाकर पत्री जी के ध्यान जगत के स्वप्न को पूरा करने में अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं। कैथल के नारायण ध्यान केंद्र में मीनाक्षी खुरानिया जी ने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड विषय पर ध्यान सत्र आयोजित किया। इसी के साथ उन्होंने बच्चों को भी विशेष सामूहिक ध्यान करवाया। इंद्रपुरम के पिरामिड कॉस्मोस ध्यान स्थल में माणिक परमार जी ने नववर्ष के विशेष अवसर पर 1.5 घंटे का विशेष ध्यान सत्र आयोजित किया। इस मौके पर करीब 2 दर्जन लोग उपस्थित रहे। बीकानेर के मैत्रेय पिरामिड ध्यान केंद्र में नए साल के दिन 2 घंटे का सत्र रखा गया, जिसमें पहले इंद्रजीत शांगरी जी ने आनापान सती ध्यान करवाया, जिसके बाद सभी ध्यानियों ने अपने अपने अनुभव साझा किए और सत्संग में भाग लिया। इस सत्र का संचालन राज कालरा जी के आवास पर हुआ था। छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर में स्थित मारुति पिरामिड सेंटर में विमल कुमार भंगू जी और आशा भंगू जी ने रात्रि ध्यान आयोजित किया। यहाँ 84 दिनों से प्रतिदिन ध्यान किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के भिलाई में सुवर्णा सुव्वी जी ने संगम डेयरी के पास स्थित मैत्री नगर में सायकालीन ध्यान सत्र आयोजित किया। इस दौरान पिरामिड मास्टर एकता जी भी उपस्थित रहीं। पंजाब के लुधियाना स्थित स्वामी विवेकानंद मेडिटेशन पिरामिड का मासिक सम्मेलन रूहानी मिलन उत्सव आयोजित किया गया। इस अवसर पर लोगों ने शर्मन जैन रेस्टोरेंट में ध्यान किया।
गुजरात के नवसारी में शिल्पा प्रधान जी, निशा चंपानेरी जी और हैतल गांधी जी ने स्वप्नलोक सोसाइटी स्थित वृद्धाश्रम में आनापान सती ध्यान कराया। इसी के साथ शिल्पा जी ने वीके टेक के कार्यालय में और निशा चंपानेरी जी के साथ वाजपेयी गार्डन में भी लोगों को ध्यान सिखाकर ध्यान के लाभों से परिचित करवाया। भुवनेश्वर की ब्लेसिंग्स टीम ने नॉर्थन हाइट्स अपार्टमेंट में सफलतापूर्वक 41 दिनों का ध्यान कार्यक्रम संपन्न किया। साथ ही वहां सारिका सराफ जी की उपस्थिति में महात्मा बुद्ध की धर्मपत्नी रानी यशोधरा के जीवन पर आधारित उड़िया पुस्तक यशोधरा का भी विमोचन किया गया, जिसका अनुवाद गीता दास जी ने किया है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में कुलमणि पांडा जी ने बरुड़ेश्वर मंदिर में सायकालीन ध्यान कराया। इस अवसर पर 30 से अधिक लोग उपस्थित रहे। उड़ीसा के कटक में स्थित कांतिलोक पिरामिड ध्यान केंद्र में कांता डूगर जी ने पूर्णिमा ध्यान सत्र का आयोजन किया, जहां उन्होंने सभी ध्यानियों को पूर्णिमा ध्यान के लाभ से अवगत करवाया। इसी के साथ उन्होंने बच्चों के लिए भी एक विशेष व्यायाम एवं ध्यान सत्र आयोजित किया। बीते वर्ष दिल्ली के द्वारका सेक्टर 12 के पिरामिड ध्यान केंद्र में ध्यान सत्र आयोजित किए गए। पूरे साल आयोजित किए गए इन सत्रों में अलग अलग मास्टर्स ने ध्यानियों को निर्देशित ध्यान करवाया और अलग अलग विषयों पर ज्ञान साझा किया। उत्तराखंड राज्य की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले हल्द्वानी में एक नए पिरामिड ध्यान केंद्र का उद्घाटन हुआ। 19x19 फीट के इस केंद्र का नाम निर्वाण रुद्राक्ष पिरामिड रखा गया है। इस अवसर पर डॉक्टर सौरभ रंजन जी, विभा गुप्ता जी, जसविंदर कौर जी, सावित्री पांगते जी और अन्य मास्टर्स उपस्थित थे। नागपुर में अनीता अग्रवाल जी ने अटल बिहारी वाजपेयी गार्डन और धंतौली गार्डन में करीब 60 लोगों को आनापानसती ध्यान करवाया। इसी के साथ उन्होंने नागपुर के अन्य मास्टर्स के साथ मिलकर सतनामी नगर से राजस्थानी ब्रह्म समाज तक एक शाकाहार रैली आयोजित की, जिसमें 300 लोगों ने शिरकत की। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में देवू सावली वृद्धाश्रम में अनिल कारू जी और मुकुंद डिंडोकर जी ने आनापानसती ध्यान सत्र आयोजित किया। महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित लोनावला में तेजल सोलंकी जी ने नए ध्यानियों को आनापानसती ध्यान से परिचित करवाया और ध्यान के लाभ बताए। महाराष्ट्र के पुणे जिले के खराड़ी में स्थित साईं बाबा पिरामिड ध्यान केंद्र में लोगों ने पूर्णिमा के अवसर पर 5 दिन के सामूहिक ध्यान में भाग लिया, जिसका संचालन प्रेमचंद्र बागरेचा जी ने किया। नेपाल की राजधानी काठमांडू में कांति भंडारी जी ने माइतीघर और महेश्वरा ध्यान केंद्र में ध्यान सत्र आयोजित किए। साथ ही नेपालगंज में 14x14 फीट के 2 पिरामिड भी उद्घाटित किए गए। अब रुक करते हैं ध्यान विद्यार्थी की ओर। ध्यान हर किसी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और PSSM द्वारा सिखाए जा रहे आनापानसती ध्यान से जुड़कर 5 साल की उम्र तक के बच्चे भी आसानी से ध्यान कर सकते हैं। बच्चों को ध्यान सिखाने से हम उन्हें एक सशक्त भविष्य की ओर अग्रसर कर रहे हैं, जिससे वे अपना जीवन आनंदमय, दवाई मुक्त और समाज के जागरूक नागरिक की तरह जी सकें। ध्यान विद्यार्थी की इस पहल में हर एक पिरामिड मास्टर और खासकर PSSM का युवा विभाग पायमा यानी पिरामिड यूथ फॉर मेडिटेशन और अहिंसा अपना अहम योगदान दे रहा है। आइए जानते हैं कि ध्यान विद्यार्थी टीम ने कहां कहां छात्रों को अध्यात्म के प्रति जागरूक किया। नई दिल्ली स्थित अंबेडकर यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ बिजनेस, पब्लिक पॉलिसी एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप और स्कूल ऑफ लिबरल स्टडीज द्वारा महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर के संस्थापक भिक्कू संगसेना जी को एक संगोष्ठी में आमंत्रित किया गया। इस सम्मेलन का विषय रहा कंपैशन एंड एजुकेशन। उन्होंने अपने संबोधन में ध्यान की आवश्यकता और दैनिक आचरण में दया के महत्व पर जोर दिया। महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर और अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसके अंतर्गत दोनों संस्थाएं साथ मिलकर विश्व शांति, अहिंसा, मानसिक स्वास्थ्य,
योग और ध्यान जैसे विषयों पर विभिन्न शोध और विनिमय कार्यक्रम आयोजित करेंगे। बैंगलोर की छाया डीएसजी ने रंगनाथा स्कूल में 150 बच्चों को अंग्रेजी और कन्नड़ भाषाओं में निर्देशित ध्यान करवाया, साथ ही उन्होंने बच्चों को स्पिरिचुअल रियलिटी डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई। गुजरात के राजकोट में स्थित नगर पिपालिया गांव के श्री जे एच भलोडिया वुमेन्स कॉलेज में हुए विशेष एनएसएस कैंप में जयदीप साखिया जी ने बच्चों को ध्यान कराया। इस सत्र का विषय रहा यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, जिस मौके पर 60 से ज़्यादा विद्यार्थी उपस्थित थे। गुजरात के नवसारी में स्थित वनगांव के प्राथमिक विद्या मंदिर में मोना पटेल जी ने अलग अलग ध्यान सत्रों में कुल 375 बच्चों और 8 अध्यापकों को ध्यान सिखाया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में स्थित अहेरी के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में राजू नागराले जी ने विद्यार्थियों को ध्यान सिखाया। इस अवसर पर करीब 150 छात्राएं उपस्थित थीं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में सूरज भास्कर शिंगे जी ने रवि अकेडमी में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को निर्देशित ध्यान करवाया। पॉजिटिव समाचार में फिलहाल इतना ही। आपसे जल्द होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। देखते रहिए पीएमसी हिंदी, घर घर में सत्य का दर्शन। पीएमसी हिंदी के केयर सेंटर हेल्पलाइन नंबर 7042831591 और 9392436035 पर संपर्क कर अपने नज़दीकी इलाके की पॉजिटिव खबरों को हमारे साथ साझा करें।